तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जयंत जी, सरायकेला के गमरिया थाना क्षेत्र पे एक सूचना आ रही है, गोली चलने की घटना हुई है जी, क्या है पूरा मामला? जी देखिए विनोद जी, आपको बता दें सरायकेला के गमरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, वहाँ पर ये जो है आज सुबह एक व्यक्ति को गोली लगा है, उसको उठा करके जो लोग हैं पुलिस कर्मी है सब केएमएच लाए, जहाँ इलाज के दौरान उस व्यक्ति का मौत हो गया है। हमने इस मामले पर जब उनके भाई से बातचीत किया, उनका कहना हमारा भाई सुबह निकला था और इसको गोली मारने का सूचना आया है, हम लोग आए हैं देखने, तो एक गोली पीठ में लगने का बात आ रही है और चाकू से भी वार किया गया है, डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया मौत हो गया है, परिवार वाले सब पहुंचे थे, पुलिस भी पहुंची है गमरिया और सभी बिंदु पर जांच कर रही है, आखिर ये गोली कौन मारा है, किस वजह से मारा गया है, ये हुई है घटना जी। जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज। क्या नाम है इनका? देवव्रत गोस्वामी उर्फ देवो। क्या हुआ, क्या पता चला? पता चला हम ड्यूटी में थे, फोन आया कि भाई को कोई गोली वोली मार दिया है, तो हम रास्ते में थे, तब तक मौसी का लड़का लेके आ रहा था गाड़ी में टीएमएच के लिए, एकदम सांस में बैठे और आए देख रहे कि पीठ में गोली मारा और बाँह में चाकू, और डॉक्टर बोला डेथ कर दिया। ये कहाँ पे हमला हुआ है? टीचर ट्रेनिंग मोड के अंदर गमरिया इंडस्ट्रियल एरिया। क्या लग रहा है, कुछ पता चला है कि कौन लोग होंगे? अभी कुछ पता नहीं है। क्या नाम हुआ? अभिषेक गोस्वामी। घटना जो हुआ है, सुबह में टीचर ट्रेनिंग मोड के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई, उसी समय में हम लोग जाँच पड़ताल की और यहाँ पे आए, तो पता चला कि देवीदास नाम के आदमी को गोली लगी जो मर गया। क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था देवीदास? क्या कर रहा था ये? भी अपना अपना सुन कारोबार करता था स्क्रैप वगैरह का। क्या कोई पुराना दुश्मनी था? हाँ, ये पूर्व में भी अपराधी था, लेकिन हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। Thank you for watching this video.